प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक चलेगा लिंगानुसार संज्ञा शब्द। ये आपके सामने टॉपिक चलेगा लिंगानुसार संज्ञा शब्द, यानी लिंग के अनुसार। अपने संस्कृत भाषा में लिंग तीन होती हैं, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब पहला है अपना पुल्लिंग है, मान लो पुल्लिंग है, पुल्लिंग। अब ये जो पुल्लिंग शब्द है, इसमें कौन कौन से शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसका नाम लिखना है अपने को। जैसे छात्र है, जैसे शिक्षक है, जैसे मयूर है, जैसे अध्यापक, जैसे विद्यालय, हिमालय, हिमालय विद्यालय हो गए, हिमालय व पुस्तकालय, पुस्तकालय वृक्ष, वृषभ, वृषभ राम, मोहन, गणेश, इत्यादि जो शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जैसे छात्र है, शिक्षक है, मयूर है, अध्यापक है, विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, वृक्ष, वृषभ, राम, मोहन, गणेश, या और भी अन्य भी बहुत सारे नाम हैं, वो आते हैं पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग में। इनका जैसे इनमें किसी भी शब्द को लें अपन, तो जैसे इसके रूप लिखें तो प्रथमा का एक रूप बनता है छात्र है, तो छात्र का एक वचन बनता है छात्र है, ये एक वचन है। द्विवचन है छात्रौ, और बहुवचन है छात्रः। छात्र है छात्रौ छात्रः, ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार से आपको, जैसे मयूर का है तो मयूर का एक वचन मयूर है, मयूरऊ मयूरः। जैसे मान लो इसमें अस्मद का भर होता है तो इसमें अहम आ जाएगा, इसमें आवाम आ जाएगा, इसका वयम आ जाएगा। इसमें तत् का भर होता है तो ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में इसमें स, तौ, ते। अगर मान लो युष्मद का भर होता है तो इसमें त्वम, युवाम, युयम, क्योंकि वो एक वचन के लिए त्वम, द्विवचन के लिए युवाम और बहुवचन के लिए युयम। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग है, दूसरा नंबर है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, जैसे छात्रा है, रमा है, माला, गंगा, साला, अजा, कन्या, अध्यापिका, शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षिका और साटिका इत्यादि शब्द। ये हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इनका अगर एक रूप एक वचन में बनाएं, किसी भी शब्द को एक वचन में लिखे, मान लो जैसे छात्रा है तो छात्रा का छात्रा ही रहेगा। द्विवचन में लिखे तो छात्रा का होगा छात्री, जैसे माला का माले, रमा का रमे, और बहुवचन में लिखे तो इसका छात्रा का होगा छात्रहा। इन चीज़ों का ध्यान रखें, रमा रमे रमा, साला साली साला, अजा अजे अजा, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग में ये होगा। और नपुंसक लिंग जो तीसरा है, नपुंसक लिंग, उसमें जो नए पुरुष जाति का बोध कराते हैं और नए स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो तीसरा लिंग है स्त्रीलिंग, वो सॉरी नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग।
नपुंसक लिंग में आते हैं, जैसे पुस्तक है ये शब्द नपुंसक लिंग है, मंदिर है ये शब्द नपुंसक लिंग है, पत्र है ये शब्द नपुंसक लिंग है, मंदिर लिख दिया, पत्र लिख दिया, बीज है ये नपुंसक लिंग है, बीज, नगर, वन, वस्त्र, पुस्तक, मंदिर, पत्र, बीज, नगर, वन, वस्त्र, शरीर, अंग इत्यादि इत्यादि शब्द। अब जैसे इनका एक वचन में, इनका एक वचन का रूप क्या होगा, द्विवचन का रूप क्या होगा, बहुवचन का रूप क्या होगा, मंदिर का होगा मंदिरम, द्विवचन होगा मंदिरी और बहुवचन होगा मंदिरम। ऐसे ही पुस्तका पुस्तकम, पुस्तके पुस्तकानी, और ऐसे ही पत्रम पत्रे पत्राणी, बीजम बीजे बीजानी, नगरम नगरे नगर, इस प्रकार से इनके रूप रहेंगे। पुल्लिंग में बता दिया मैं आपको, स्त्रीलिंग में बता दिया और नपुंसक लिंग में बता दिया। तीनों लिंगों में प्रथमा व्यक्ति के एकवचन द्विवचन बहुवचन जो रूप बताए हैं उनको आप अच्छी तरह याद करना है, अच्छी तरह याद करके उनको मतलब ध्यान में रखना है, क्योंकि सर्वनाम शब्द भरवाए या संज्ञा शब्द रूप भरवाए तो आपको उसको अच्छी तरह भर सकते हैं। आज का वीडियो यही रहेगा, धन्यवाद।